हेलो बच्चों, मैं हरीश मठपाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने ज्ञान सागर मठपाल चैनल में। बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट 2 की, जिसकी वेटेज है 6 मार्क्स सीबीएसई बोर्ड में। यूनिट 2 में दो टॉपिक्स हैं, थ्योरी ऑफ मनी एंड बैंकिंग। थ्योरी ऑफ मनी इससे पहले वाली वीडियो में हम बता चुके हैं थ्योरी ऑफ मनी के बारे में। आज की वीडियो में बच्चों हम बताने जा रहे हैं बैंकिंग के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं, बात करेंगे चैप्टर 6 की, जिसका टाइटल है बैंकिंग। तो हम देखेंगे कि बैंकिंग में से सीबीएसई बोर्ड कौन कौन से टॉपिक्स, क्या क्या कंटेंट्स हैं जो पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले कॉमर्शियल बैंक का डेफिनेशन, कि कॉमर्शियल बैंक होते क्या है। दूसरा, जो सेंट्रल बैंक है उनकी डेफिनेशन। तीसरा, दोनों बैंकों में, कॉमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक में क्या डिफरेंसेस है, वो डिफरेंसेस हमें यहाँ पे समझना है। चौथा टॉपिक है कि जो सेंट्रल बैंक हैं उनके फंक्शंस क्या हैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। पांचवा टॉपिक्स जो हम इस वीडियो में और इस बैंकिंग वाले चैप्टर में पढ़ेंगे बच्चों, सेंट्रल बैंक का एक फंक्शन होता है क्रेडिट कंट्रोल। तो क्रेडिट कंट्रोल को इन डिटेल्स हमें समझना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बैंक। किसी भी देश में बैंक दो प्रकार के होते हैं, एक कॉमर्शियल बैंक जो पब्लिक के साथ डील करते हैं, और दूसरा है सेंट्रल बैंक जो कॉमर्शियल बैंकों के साथ डील करते हैं और गवर्नमेंट के साथ। तो हमें सबसे पहले इन दोनों बैंकों में डिफरेंस समझना है। हम बात करेंगे कॉमर्शियल बैंक की, कि कॉमर्शियल बैंक होते क्या है। बच्चों, जब भी हम बैंक के जो फंक्शन है उनकी हेल्प से हम डेफिनेशन दे सकते हैं। तो कॉमर्शियल बैंक कोई भी पर्सन, कोई भी इंस्टीट्यूट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है जो पब्लिक से पैसा जमा करे। अगर पब्लिक पैसा जमा करना चाहती है तो उनके डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करे और उन्हें कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के लिए लोन दे। तो कोई भी ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो पब्लिक का पैसा डिपॉजिट एज डिपॉजिट एक्सेप्ट करे और पब्लिक को कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के लिए लोन दे, तो बच्चों हम उसे कहते हैं कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, तो कॉमर्शियल बैंक का जो फंक्शन है, दो मेन फंक्शन है, डिपॉजिट एंड एडवांसिंग द लोन। कॉमर्शियल बैंक इंडिया में बहुत सारे हैं। ठीक है, जैसे बात करेंगे एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बात करेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, पीएनबी, आईसीआईसी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक अमेरिका का है, एचडीएफसी बैंक। तो ये सारे के सारे बैंक जो है कॉमर्शियल बैंक होते हैं। अब जो कॉमर्शियल बैंक हैं उनकी विशेषताएं, उनके फीचर्स, वो एक एक करके देखते हैं हम लोग। पहला फीचर है इसका कि ये पब्लिक का पैसा डिपॉजिट करता है और इस इन डिपॉजिट्स को पब्लिक जो है कभी भी चेक के थ्रू या एटीएम के थ्रू इस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि कॉमर्शियल बैंक का ये फंक्शन है, तो ये इसकी विशेषता भी है। बात करेंगे दूसरे फीचर की, कॉमर्शियल बैंक क्या करता है, ये जो डिपॉजिट है ना, जो भी पब्लिक ने इसके पास पैसा जमा किया है, ये उसे उधार देता है पब्लिक को, ताकि वो कंजम्पशन कर सकें, इन्वेस्टमेंट कर सकें। उसके बाद कॉमर्शियल बैंक जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनका जो मेन मोटिव है वो प्रॉफिट अर्निंग है, वो पैसा कमाने के लिए बैठे हुए हैं, व्यापारी हैं, व्यापारी ट्रेडर्स। ठीक है, तो ये तीन फीचर्स हमने पढ़े। अब हम बात करेंगे सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन। सेंट्रल बैंक एक अपेक्स बैंक है, हाईएस्ट बैंक, बैंकों का बैंक, द फादर ऑफ द बैंक। ये क्या करता है कि देश में जितने भी अदर्स बैंक हैं उनकी वर्किंग को कंट्रोल करता है, और इसका जो मोटिव है बच्चा वो प्रॉफिट अर्निंग नहीं है। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है वो आरबीआई है, और हर देश में ये एक ही होता है, हर देश में ये एक ही बैंक है और अपेक्स बैंक है जो सभी बैंकों को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, फैसिलिटेट्स करता है। ठीक है, उनके साथ डील करता है।
अब हम बात करेंगे कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक में क्या डिफरेंस है। दोनों के डिफरेंसेस को समझते हैं एक एक करके। कॉमर्शियल बैंक वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो पब्लिक का पैसा जमा करते हैं और पब्लिक को टाइम टू टाइम लोन देते हैं। सेंट्रल बैंक एक अपेक्स बैंक है इकोनॉमी का, जो सभी बैंकों को कंट्रोल करता है। इसका जो मेन मोटिव है वो बच्चों प्रॉफिट अर्निंग है, जैसे कि इंडिया में आरबीआई है। हर देश में ये एक ही बैंक होते हैं। दोबारा से देखते हैं दूसरा डिफरेंसेस दोनों बैंकों के बीच में। कॉमर्शियल बैंकों के पास कोई राइट नहीं होता नोट इशू करने का। कॉमर्शियल बैंक जो है नोट जो है करेंसी इशू नहीं कर सकते, बट जो सेंट्रल बैंक है उसके पास राइट है, उसे राइट दिया गया है, जो उसका नोट इशूइंग डिपार्टमेंट है कि वो नोट इशू कर सकता है। तीसरा जो डिफरेंस है, कॉमर्शियल बैंक क्या करते हैं, देश के अंदर जो क्रेडिट है, क्रेडिट मतलब उधार, उसको क्रिएट करते हैं, क्योंकि यहीं से उनकी इनकम होगी, तो वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग उधार लें। सेंट्रल बैंक क्रेडिट को क्रिएट नहीं करता, क्रेडिट को कंट्रोल करता है, क्योंकि अगर क्रेडिट को कंट्रोल नहीं किया तो इकोनॉमी में जो मनी का सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाएगा, और मनी का सप्लाई बढ़ने से गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ जाएगी। बात करेंगे कॉमर्शियल बैंक का जो तीसरा डिफरेंस है दोनों में, वो ये है कि कॉमर्शियल बैंक बहुत सारे होते हैं हर देश में, बट सेंट्रल बैंक जो है किसी भी देश में वो सिंगल होता है, एक ही होता है, जैसे इंडिया में आरबीआई है। उसके बाद अब हम बात करेंगे सेंट्रल बैंक के जो फंक्शन है उनकी एक एक करके। जैसे कि हमने आपको बताया कि इकोनॉमी में ये एक हाईएस्ट बैंक है जिसने सभी बैंकों को मैनेज करना है, तो इसके फंक्शन क्या है देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है नोट इशू करना, फिर ये गवर्नमेंट का बैंक है, बैंकों का बैंक है, लास्ट रिजॉर्ट है, जब कहीं से पैसा नहीं मिलता तो ये हेल्प करता है। इसका काम जो है चेक क्लियर करना है, और देश का जो फॉरेन करेंसी का खजाना है उसको भी अपनी कस्टडी में ये रखता है। तो एक एक करके इन डिटेल्स हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेंट्रल बैंक का जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है इशूइंग ऑफ नोट्स, नोट जारी करना। तो बच्चों सेंट्रल बैंक एक अकेला एक्सक्लूसिव राइट है इसके पास हर देश में नोट इशू करने का। तो सेंट्रल बैंक इस ये जो फंक्शन है इसके पास दो डिपार्टमेंट होते हैं, एक बैंकिंग डिपार्टमेंट और दूसरा इशू डिपार्टमेंट। इशू डिपार्टमेंट क्या करता है, वो नोट इशू करता है, और जो भी डिमांड है देश के अंदर करेंसी की उसके अकॉर्डिंग ये लोग जो है ये संस्था ये डिपार्टमेंट नोट इशू करता है। ठीक है, तो डिमांड के अकॉर्डिंग, सॉरी सप्लाई के अकॉर्डिंग जो है करेंसी की डिमांड को करता है। दूसरा बात करेंगे गवर्नमेंट का बैंक। जो कॉमर्शियल बैंक पब्लिक के साथ डील करते हैं वही सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के साथ डील करता है। तो ये गवर्नमेंट का बैंक है, ये गवर्नमेंट का डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम लोन देता है, गवर्नमेंट के बिहाफ में पेमेंट लेता और देता है। तो सेंट्रल बैंक एक एजेंट के रूप में काम करता है और गवर्नमेंट को एडवाइजर भी देता है। एज ए बैंकर ये क्या करता है, सारे गवर्नमेंट के जितने भी बैंक्स हैं अकाउंट्स हैं उनको मैनेज करता है, और शॉर्ट टर्म के लिए इनको इंटरेस्ट देता है, और गवर्नमेंट के जो फंड हैं वो ट्रांसफर करता है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में। ये गवर्नमेंट के बिहाफ में सिक्योरिटीज सेल और परचेज करता है, और एक अपेक्स बैंक होने के कारण, बड़ा बैंक होने के कारण, ये गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम इकोनॉमिकल फाइनेंशियल और मॉनेटरी मैटर्स में भी एडवाइज देता है। तो गवर्नमेंट के सारे बैंकिंग के काम करना और इसके साथ साथ गवर्नमेंट को फाइनेंशियली एडवाइस देना, ये इसका काम है। हम बात करेंगे बैंकर्स बैंक, तीसरा जो फंक्शन है। सेंट्रल बैंक का सेम वही रिलेशन है सभी बैंकों के साथ जो सभी बैंकों का अपने कस्टमर्स के साथ रिलेशन है। एक बैंकर बैंक के नाते सेंट्रल बैंक क्या करता है, कॉमर्शियल बैंकों को लोन देता है और उनके डिपॉजिट को एक्सेप्ट भी करता है। ठीक है, तो जो बैंक पब्लिक के साथ डील करते हैं वही सेंट्रल बैंक सभी बैंकों के साथ डील करता है, उनका पैसा जमा करता है, उनको टाइम टू टाइम लोन देता है, उनको फाइनेंशियली एडवाइस देता है, उनके बिहाफ में पेमेंट लेता और देता है। अब सेंट्रल बैंक जो है एक बैंकर के रूप में जो काम करता है उसको थोड़ा सा इन डिटेल हम बताते हैं किस तरीके से जो है
पहला सेंट्रल बैंक सारा कैश जो रिजर्व है कॉमर्शियल बैंकों का वो अपनी कस्टडी में रखता है। सभी कॉमर्शियल बैंक बैंकों में दो तरीके से डिपॉजिट करते हैं, एक उन्हें कंपलसरी डिपॉजिट करना है अपने टोटल डिपॉजिट का पार्ट जो आरबीआई डिसाइड करता है, एक वो अपनी वॉलंटरी अपनी मर्जी से जो है सेंट्रल बैंक के पास पैसा जमा करते हैं। इन दोनों डिपॉजिट पे सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट भी देता है जिसे हम रिवर्स रेपो रेट भी कहते हैं। तो दो तरीके से सभी बैंक सेंट्रल बैंक के पास पैसा जमा करते हैं। सेंट्रल बैंक जब कहीं से कॉमर्शियल बैंकों को पैसा उधार नहीं मिलता तो उस समय सेंट्रल बैंक सभी कॉमर्शियल बैंकों को पैसा उधार देता है जब उन्हें इसकी जरूरत पड़ती है, और शॉर्ट टर्म लोन भी देता है उनको जिसका इंटरेस्ट रेट वो चार्ज करता है जिसे हम रेपो रेट कहते हैं। सेंट्रल बैंक सभी बैंकों के चेक क्लियर भी करता है और उनके जो मनी ट्रांसफर है एक बैंक से दूसरे बैंक को पैसा देना है दूसरे बैंक से पहले को देना है तो ये उनके बिहाफ में सेंट्रल बैंक अपने कस्टमर कॉमर्शियल बैंकों के बिहाफ में एक दूसरे को पेमेंट लेता और एक दूसरे से पेमेंट लेता है और एक दूसरे को पेमेंट देता है। तो इस तरीके से हमने पढ़ा कि बैंकर्स बैंक के रूप में। फिर हम पढ़ेंगे लास्ट रिजॉर्ट। इसका मतलब है कि जब कॉमर्शियल बैंकों को इमरजेंसी कहीं से पैसा नहीं मिलता, इमरजेंसी कब पड़ सकती है? भैया लोगों ने 1 लाख रुपया बैंक में जमा किया, बैंक ने लोगों को देने के लिए 10 हजार रखा, 90 हजार लोन दे दिया। अगर लोग ज्यादा पैसा निकालने आ गए, सपोज करो लोग जो है 20 हजार रुपया निकालने आ गए हैं, तो ऐसे में बैंक को 10 हजार की जरूरत है। तो ऐसे में सेंट्रल बैंक इस सिचुएशंस में सभी कॉमर्शियल बैंकों की हेल्प करता है। तो इसमें वही है कि जब कहीं कॉमर्शियल बैंकों का जो सोर्स है, जब कहीं से भी किसी भी सोर्सेस से उन्हें पैसा नहीं मिलता तो बैंक सेंट्रल बैंक ही उनके लिए अकेला सोर्स है जहां से उन्हें पैसा सियोरिटी मिलता है। तो उसी प्रकार से हम पढ़ेंगे अगला फंक्शन क्लियरिंग हाउस हाउसेस फंक्शन। भाई जब हम बैंक में चेक जमा करते हैं तो बैंक वो चेक अपने बैंक सेंट्रल बैंक को सौंप देता है और उससे कहता है कि आप मेरे बिहाफ में पेमेंट लो और मेरे बिहाफ में पेमेंट दो। तो सभी बैंकों के आपस में जो चेक क्लियर करने का काम है वो सेंट्रल बैंक करता है। उसके बाद देश का जो गोल्ड और फॉरेन करेंसी का रिजर्व है वो भी सेंट्रल बैंक के पास रहता है। तो सेंट्रल बैंक का ये भी फंक्शन है इंपॉर्टेंट फंक्शन कि ये देश में जितना भी गोल्ड है गवर्नमेंट का और जो भी फॉरेन करेंसी है उन्हें रखता है मेंटेन करता है। अगर वो ज्यादा है तो अगर वो कम हो रहे हैं तो उन्हें बढ़ाता है, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा है तो गवर्नमेंट उसको यूज करती है और मार्केट से फॉरेन करेंसी खरीदता और बेचता है। तो इस तरह अब हम एक टॉपिक समझेंगे क्रेडिट क्रिएशन। जो कॉमर्शियल बैंक हैं उनका एक फंक्शन है देश के अंदर क्रेडिट को क्रिएट करना और क्रेडिट को एक्सपेंशन करना। बैंकों के द्वारा बच्चों जो लोगों को लोन दिया जाता है उसे हम क्रेडिट कहते हैं। तो बैंक जब ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोन देता है तो उसे कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन टॉपिक पढ़ने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट हमें समझने हैं, फिर जाके हम लोग जो है क्रेडिट क्रिएशन वाला जो क्वेश्चन है उसको अच्छी तरह समझेंगे। देखते हैं हम लोग, हम बात करेंगे कि बैंक में जो भी पैसा लोग जमा करते हैं उस डिपॉजिट्स को हमने दो पार्ट में बांटा है। पहला है प्राइमरी डिपॉजिट और दूसरा है बच्चों सेकेंडरी डिपॉजिट। जो भी पैसा हमने बैंक में कैश जमा किया है तो जब भी हम बैंक में जाके कैश जमा करते हैं अपने अकाउंट में तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी डिपॉजिट। और जब हमें किसी ने चेक दिया फिर उस चेक को हमने अपने अकाउंट में जमा किया तो बच्चों उसे कहते हैं डिपॉजिट एज ए चेक। तो इस प्रकार हमने समझा कि बैंक में जो भी पैसा हम डिपॉजिट करते हैं वो दो कैटेगरी में, एक जो कैश किया और एक जो कैश आपने जमा नहीं किया अकाउंट टू अकाउंट या फिर चेक जमा किया डीडी जमा किया, तो वो सब बच्चों सेकेंडरी डिपॉजिट कहलाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे लिक्विडिटी रिजर्व रेशियो, बच्चों जिसे कहते हैं LRR।
LRR का दूसरा नाम भी है रिजर्व रेशियो, RR। जितना भी पैसा सभी बैंकों ने लोगों से जमा किया है, उसका कुछ परसेंटेज, कुछ रेशियो, कुछ पार्ट सभी बैंक लोन नहीं दे सकते। लिक्विड फॉर्म में, कैश की फॉर्म में सभी बैंकों को अपने पास रखना होता है। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि जो LRR है, RR है या खाली R है, उसका मतलब क्या है। तो ये टोटल डिपॉजिट का वह पार्ट है जो कैश की फॉर्म में कंपलसरी रखना पड़ता है। सभी बैंक इसे लोन नहीं दे सकते। और ये बच्चों दो टाइप के होते हैं। पहला है कैश रिजर्व रेशियो, CRR। कैश रिजर्व रेशियो को समझते हैं हम लोग। टोटल डिपॉजिट का जितना भी पैसा बैंकों ने लोगों से जमा किया है, उसका कुछ पार्ट उन्हें कंपलसरी RBI के पास जमा करना होता है, जिसे बच्चों हम कहते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो। तो जितना भी डिपॉजिट्स बैंकों के पास लोगों से आया है, उसका कुछ परसेंटेज जो RBI डिसाइड करता है, सभी बैंकों को कंपलसरी RBI के पास जमा करना होता है। RBI उस डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट भी देता है, जिसे हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब हम LRR या जो RR है उसका दूसरा पार्ट समझेंगे। दूसरा पार्ट है सैचुरेटरी लिक्विड लिक्विडिटी रेशियो, बच्चों जिसे कहते हैं SLR। SLR क्या होता है? टोटल डिपॉजिट, जितना पैसा सभी बैंकों ने लोगों से जमा किया है, उसका कुछ पार्ट परसेंटेज उन्हें कंपलसरी RBI के पास जमा करना होता है, जिसे कहते हैं CRR। और कुछ उन्हें कंपलसरी अपने पास लिक्विड फॉर्म में, कैश की फॉर्म में अपने पास रखना होता है, जिसे कहते हैं SLR। जो उन्हें अपने पास रखना है वो SLR। अब हम बात करेंगे मनी और क्रेडिट मल्टीप्लायर की। बच्चों, मनी और क्रेडिट मल्टीप्लायर, जितना बैंकों के पास कैश है, बैंक उसका मल्टीपल टाइम्स लोन देते हैं। तो कितना टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स बैंकों ने लोन दिया है, उसे हम कहते हैं मनी और क्रेडिट मल्टीप्लायर। सपोज करो कि सभी बैंकों ने अपने पास 100 रुपये रखे हैं। तो सभी बैंकों के पास जो कैश है, SLR, CRR, वो 100 है लिक्विड फॉर्म में, और बैंकों ने लोन दे दिया है 500 का, 500। तो ये 100 रुपये के कैश ने पूरे देश के अंदर, पूरी इकोनॉमी के अंदर 500 का लोन जो है क्रिएट किया है। तो 5 टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स, तो हम उसे बोलते हैं क्रेडिट और मनी मल्टीप्लायर। बच्चों, मनी मल्टीप्लायर निकालने का फॉर्मूला है कि जो भी चेंज इन टोटल डिपॉजिट है, जैसे 500, और चेंज इन प्राइमरी डिपॉजिट, पहले जो कैश था 100, 100 रुपये के कैश ने पूरे देश के अंदर 500 रुपये का लोन दिया, जिससे नया डिपॉजिट पैदा हुआ, तो 5। तो यहाँ मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू होगी 5। तो मनी मल्टीप्लायर का दूसरा फॉर्मूला भी है 1/LRR, लीगल रिजर्व रेशियो। जितना भी बैंक अपने पास कैश ज्यादा रखते हैं, तो उससे जो क्रेडिट और जो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू आती है वो कम आती है। तो एक प्रकार से इनवर्स रिलेशन है कि जितना बैंकों ने अपने पास ज्यादा रखा, उतना लोन जो जाएगा इकोनॉमी में वो कम हो जाएगा। तो मनी मल्टीप्लायर जो है एक प्रकार से रेट ऑफ चेंज है मनी सप्लाई ड्यू टू इनिशियल डिपॉजिट। स्टार्टिंग का डिपॉजिट चेंज होने से पूरी इकोनॉमी में टोटल डिपॉजिट भी चेंज हो जाता है, उसे मनी मल्टीप्लायर कहते हैं। अगर हम देखें तो मनी मल्टीप्लायर के हमने दो फॉर्मूले पढ़े, एक तो 1/R, जिसे हम कहते हैं LRR, और दूसरा था चेंज इन टोटल डिपॉजिट अपॉन चेंज इन प्राइमरी डिपॉजिट। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके हम बनाते हैं कि चेंज इन टोटल डिपॉजिट का फॉर्मूला, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया
तो ये हो गया लीगल रिजर्व रेशियो मल्टीप्लाई चेंज इन टोटल डिपॉजिट इक्वल टू, फिर वन को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया चेंज इन प्राइमरी डिपॉजिट। हमें चेंज इन टोटल डिपॉजिट का फॉर्मूला बनाना है कि आखिर टोटल डिपॉजिट में कितना चेंज आया है। तो इक्वल टू, तो ये चेंज इन प्राइमरी डिपॉजिट के अपॉन में आ जाएगा एल आर आर। फिर हमने क्या किया बच्चों, एल आर आर को अलग लिख दिया, वन अपॉन एल आर आर इंटू आ गया हमारा चेंज इन प्राइमरी डिपॉजिट। तो इस प्रकार से अगर हम जानना चाहते हैं कि टोटल डिपॉजिट में कितना चेंज आया है तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। बच्चों अब हम बात करेंगे जो टॉपिक है क्रेडिट क्रिएशंस, जिसे हम मनी क्रिएशंस भी कहते हैं, साख निर्माण। तो सबसे पहले हमें समझना है कि जो क्रेडिट क्रिएशंस है और जो मनी क्रिएशंस है उसका मतलब क्या है। कॉमर्शियल बैंक क्या करते हैं, क्रेडिट को क्रिएट करते हैं, मतलब उधार देते हैं पब्लिक को, जिससे नया नया डिपॉजिट जो है बैंकों के पास क्रिएट होता है। तो बैंकों के पास जितना भी कैश है, बैंक उससे भी ज्यादा क्रेडिट एक्सपेंशन करते हैं, उससे भी ज्यादा लोन देते हैं। तो जितना कैश बैंकों के पास है, बैंक उसका मल्टीपल टाइम्स लोन प्रोवाइड करते हैं, इसी को हम कहते हैं क्रेडिट क्रिएशंस। तो जब बैंकों के द्वारा पब्लिक को ज्यादा से ज्यादा लोन दिया जाता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रेडिट क्रिएशंस। ये कॉमर्शियल बैंकों का फंक्शन है। तो इसको हम विद एग्जांपल समझते हैं। सबसे पहले हमें समझना है कि जो कॉमर्शियल बैंक है उनकी जो कैपेसिटी है लोन देने की, वो दो बातों पर डिपेंड करती है। पहला कि बैंकों के पास जो कैश आया है प्राइमरी डिपॉजिट, वो अमाउंट कितना है। दूसरा, सभी कॉमर्शियल बैंकों ने टोटल डिपॉजिट का कितना परसेंट, कितना पार्ट रिजर्व रखना है जो आरबीआई डिसाइड करेगा, जिसको कॉमर्शियल बैंक लोन नहीं दे सकते। तो इन दो बातों पर डिपेंड करता है कि सभी बैंक कितना क्रेडिट क्रिएट करेंगे, कितना उधार देंगे। उनकी जो लेंडिंग कैपेसिटी है वो इन दो बातों पर डिपेंड करती है कि उनके पास कैश का अमाउंट कितना है और उन्होंने कितना टोटल डिपॉजिट का कितना पार्ट अपने पास रिजर्व रखना है। अब एलआरआर जो होता है कि टोटल डिपॉजिट का वह पार्ट जो बैंक लोन नहीं दे सकते, जिसे वो कैश और लिक्विड फॉर्म में रिजर्व रखते हैं। बच्चों ये सेंट्रल बैंक जो होता है देश का, जैसे इंडिया में आरबीआई है, वो डिसाइड करता है। यदि लीगल रिजर्व रेशियो बहुत ज्यादा है, यदि बैंकों को कहा जाता है कि वो अपने पास ज्यादा से ज्यादा जो है रिजर्व रखें, तो इससे बैंकों की लेंडिंग कैपेसिटी और जो क्रेडिट क्रिएट है वो कम हो जाएगा। इसको हम एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। माना कि जो इनिशियल अमाउंट है, जो कैश है प्राइमरी डिपॉजिट, वो है ₹100। माना कि एक आदमी ने बैंक में ₹100 कैश जमा किए। तो जो भी हम कैश जमा करते हैं बैंकों में, उसे हम कहते हैं प्राइमरी डिपॉजिट। अब बैंक का जो एलआरआर है, लीगल रिजर्व रेशियो, वो 10% है, डेसिमल में 0.1 है। इसका मतलब है कि जितना भी बैंकों के पास डिपॉजिट आएगा, बैंक उसका 10% रिजर्व रखेंगे, बाकी 90% लोन दे देंगे। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने एक फॉर्मूला बनाया था चेंज इन टोटल डिपॉजिट। यदि हम जानना चाहते हैं कि इनिशियल डिपॉजिट जो है वो 100 था, तो बताओ टोटल डिपॉजिट में कितना चेंज आएगा। तो उसका फॉर्मूला हमने बनाया था वन अपॉन एल आर आर इंटू प्राइमरी डिपॉजिट, चेंज इन प्राइमरी डिपॉजिट, जो भी इनिशियल डिपॉजिट में चेंज आया था। तो हमने यहाँ पे वैल्यू रखी सबकी, लीगल रिजर्व रेशियो हमने रखा 0.1 और इंटू हमने जो इनिशियल डिपॉजिट है वो 100 है। तो ये सॉल्व करके जो सिंपलीफाई करके हमारा आंसर आया, वो आया 1000। इसका मतलब है बच्चों कि ₹100 के कैश ने पूरे देश के अंदर ₹1000 का डिपॉजिट क्रिएट किया है। इसी को हम कहते हैं क्रेडिट क्रिएशंस। तो ₹100 के कैश ने 10 टाइम्स
मल्टीपल टाइम्स लोन क्रिएट किया है। तो इस प्रकार जितना कैश बैंकों के पास है, बैंक उससे भी ज्यादा लोन प्रोवाइड करते हैं। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं क्रेडिट क्रिएशंस। इसको और हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। सपोज करो कि पूरे देश के अंदर एक ही बैंक है और एक बैंक में एक आदमी ने 100 रुपये कैश जमा किया। लीगल रिजर्व रेशियो 10% है, इसका मतलब सभी बैंक 100 रुपये का 10%, 10 रुपये अपने पास कैश रखेंगे, बाकी 90% ₹90 लोन दे देंगे। अब बैंक जब भी लोन देता है तो बैंक कभी कैश नहीं देता, ठीक है बच्चों? बैंक क्या करता है कि जिसने भी उधार लिया है उसके अकाउंट में ट्रांसफर करता है या उसको चेक देता है। तो बोरोवर को कभी भी कैश नहीं दिया जाता, लोन उसके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो 90 रुपये का जो लोन दिया है वो बैंक में दोबारा से डिपॉजिट होगा, क्योंकि पूरे देश के अंदर एक ही बैंक है। तो बैंक का एक नया डिपॉजिट आ गया ₹90। अब बैंक का ये प्रोटोकॉल है कि जो भी नया डिपॉजिट या जो भी नया डिपॉजिट पुराना डिपॉजिट उसके पास आएगा, बैंक उसका 10% ही अपने पास रिजर्व रखेगा, बाकी 90% लोन दे देगा। तो यहां पे हम समझते हैं कि 90% ऑफ ₹90 वो होता है 81। तो दोबारा से बैंक क्या करेगा कि 81 लोन दे देगा, फिर 81 जिसको भी लोन देगा कैश नहीं देगा, चेक देगा, फिर वही चेक दोबारा बैंक में आएगा नया डिपॉजिट। और जितना बैंक का डिपॉजिट बढ़ता जा रहा है, बैंक की उतनी लेंडिंग कैपेसिटी भी बढ़ती जाएगी। ये प्रोसेस बच्चों चलता रहेगा, कंटिन्यू गोज ऑन एंड ऑन, ठीक है? अब इसी चीज को हम एक टेबल बनाकर भी समझ सकते हैं, क्रेडिट क्रिएशंस के पोर्शंस को। बात करेंगे पहले राउंड की, फिर डिपॉजिट्स की, फिर रिजर्व्स की, और फिर बात करेंगे हम लोग लोन की। पहले राउंड में एक आदमी ने बैंक में 100 रुपये कैश जमा किए, बैंक ने उसको देने के लिए 100 रुपये का 10%, 10 रुपया रिजर्व रखा, और बाकी जो बचा 90 वो लोन दे दिया। जिसको भी 90 लोन दिया उसे कैश नहीं दिया, उसे चेक दिया, फिर वही चेक दूसरे राउंड में बैंक में फिर डिपॉजिट हो गया चेक। बैंक का रूल है चाहे कैश आए चाहे चेक के थ्रू आए, जो भी पैसा बैंक में आएगा बैंक उसका 10%, 90 का 10%, 9 रुपया कैश रखेगा, बाकी बचा 90 का 90%, 81 वो लोन दे देगा। 81 जिसको लोन देगा उसे कैश नहीं देगा, चेक देगा, फिर तीसरे राउंड में वही 81 दोबारा से बैंक में जमा हो जाएगा। 81 का 10%, 8.1 बैंक रिजर्व रखेगा, बाकी 72.9 ये लोन दे देगा। यही प्रोसेस चलता रहेगा। यदि हम देखें टोटल डिपॉजिट को सभी को जोड़े तो ये आएगा 1000। जबकि बैंक के पास कैश है 100, तो 100 रुपये के कैश को बैंक ने 1000 रुपये का लोन फैला दिया। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रेडिट क्रिएशंस। बच्चों अब हम पढ़ेंगे कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। सभी सेंट्रल बैंक का जो फंक्शन है, मेन फंक्शन है, वो है क्रेडिट को कंट्रोल करना। क्रेडिट को कंट्रोल क्यों करना पड़ता है? क्योंकि अगर क्रेडिट को कंट्रोल नहीं करेंगे तो कॉमर्शियल बैंक बहुत ज्यादा क्रेडिट क्रिएट कर देंगे, जिससे इकोनॉमी में मनी का सप्लाई बढ़ जाएगा। मनी का सप्लाई बढ़ने से गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी, और जिससे प्राइस राइजिंग होगा, इन्फ्लेशन आएगा। तो इसलिए क्रेडिट को कंट्रोल करना होता है। क्रेडिट को कंट्रोल का मतलब है मनी की सप्लाई को इकोनॉमी में कंट्रोल करना है, कम है तो बढ़ाना है, और यदि मनी की सप्लाई बहुत ज्यादा है तो वहां कम करना है। तो क्रेडिट कंट्रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेंट्रल बैंक का। क्रेडिट कंट्रोल का प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है देश के अंदर जो प्राइस फ्लक्चुएशन है, प्राइस कभी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं कभी कम हो रहे हैं, तो मनी की सप्लाई को कंट्रोल करके प्राइस पे कंट्रोल किया जाता है। तो बच्चों यहां पे दो तरीके हैं क्रेडिट को कंट्रोल करने के, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रेडिट को कंट्रोल करने के, दो मेथड है अभी बताया। पहला मेथड है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और दूसरा है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, जिसे हम सिलेक्टिव भी कहते हैं। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में आते हैं बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस और लीगल रिजर्व रेशियो। क्वांटिटेटिव में आते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट,
रैशनिंग ऑफ द क्रेडिट, डायरेक्ट एक्शन और मॉरल सिचुएशंस। तो एक एक करके समझते हैं बच्चों हम। सबसे पहले बात करेंगे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट की। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में बात करेंगे बैंक रेट की। पहले बच्चों हमें पता होना चाहिए बैंक रेट होता क्या है। बैंक रेट वो रेट होता है जिस रेट पर सेंट्रल बैंक सभी बैंकों को उधार देता है लॉन्ग टर्म के लिए विदाउट सिक्योरिटी। सेंट्रल बैंक इस बैंक रेट को चेंज करके मनी की सप्लाई को कंट्रोल करता है। तो हम समझेंगे कि किस तरीके से बैंक रेट में चेंज करके सेंट्रल बैंक ने क्रेडिट को कंट्रोल किया है। अगर देश के अंदर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, मतलब प्राइस राइजिंग है, बहुत ज़्यादा एक्सेस डिमांड है, तो उस समय जरूरत है कि मनी की सप्लाई को कम करो, जिसके लिए बैंक रेट को बढ़ा दिया जाता है। बैंक रेट बढ़ते ही सभी बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देते हैं, मार्केट में लोन महंगा हो जाता है और लोन की डिमांड कम हो जाती है, जिससे इकोनॉमी के अंदर मनी की सप्लाई कम हो जाएगी। उसी प्रकार डिफ्लेशन की सिचुएशन में, या हम इसको एक पॉइंट बना के समझते हैं, अगर सेंट्रल बैंक ने बैंक रेट बढ़ाया, कॉमर्शियल बैंकों को लोन जो है महंगा कर दिया, तो सभी बैंक भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाते ही जो बोरोइंग है वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा, जिसकी वजह से मनी की सप्लाई कम हो जाएगी, क्योंकि लोग डिमांड कम करेंगे और मनी की सप्लाई कम होने से गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कम होगी और डिमांड कम होने से जो प्राइस बढ़ रहे थे वो प्राइस कम हो जाएंगे। इस तरीके से हम तो लोग ने इसको समझा। दूसरा, डिफ्लेशन की सिचुएशन में बैंक रेट को जो सेंट्रल बैंक है वो क्या करेगा, बैंक रेट को कम कर देगा। बैंक रेट कम करते ही, क्योंकि अब हमें जरूरत है मनी की सप्लाई को बढ़ाने की, सभी बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देंगे, जिससे उधार लेना आसान हो जाएगा और मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी। इसको भी हम एक चार्ट से समझते हैं। डिफ्लेशन की सिचुएशन में सेंट्रल बैंक बैंक रेट को कम कर देता है, जिससे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होते ही बोरिंग लेना बहुत आसान हो जाता है, जिससे मनी की सप्लाई बढ़ जाती है। मनी की सप्लाई बढ़ने से गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ जाती है और फिर प्राइस जो कम हो रहे थे वो बढ़ने लगते हैं और जीडीपी बढ़ने लगता है। इस तरीके से हमने चार्ट के थ्रू इसको समझा। अब रेपो रेट, बच्चों पहले रेपो रेट पता होना चाहिए। बैंक रेट और रेपो रेट दोनों को एक ही तरीके से, एक ही पैटर्न से जो है यूज किया जाता है क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए। रेपो रेट वो रेट है जिस रेट पे सेंट्रल बैंक सभी बैंकों को उधार देता है शॉर्ट टर्म के लिए विद सिक्योरिटीज। सेंट्रल बैंक भी रेपो रेट को चेंज करके मनी की सप्लाई को कंट्रोल करता है। तो समझते हैं हम लोग, इन्फ्लेशन की सिचुएशन में जरूरत है मनी की सप्लाई को कम करना, ऐसे केस में जो रेपो रेट है वो बढ़ा दिया जाता है, जिससे सभी कॉमर्शियल बैंक अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देते हैं और जिससे बोरिंग बहुत महंगा हो जाता है और लोन सभी बैंक कम देते हैं। डिफ्लेशन की सिचुएशन में जरूरत है मनी की सप्लाई को बढ़ाने की, तो रेपो रेट जिस रेट पे बैंक जो है सेंट्रल बैंक लोन देता है बैंकों को, उसे कम कर दिया जाता है। और इसे कम करने से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी कम हो जाता है, जिससे लोन की डिमांड बढ़ जाती है और मनी की सप्लाई बढ़ जाती है। तो इसको हम एक चार्ट से भी समझ सकते हैं, जैसे हमने पहले बताया था। अब है रिवर्स रेपो रेट। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रिवर्स रेपो रेट होता क्या है। बच्चों, जब सभी बैंक सेंट्रल बैंक के पास पैसा जमा करते हैं, चाहे कॉमर्शियल, चाहे कंपलसरी करें चाहे वॉलंटरी करें, उनके डिपॉजिट पे सेंट्रल बैंक उन्हें ब्याज देता है। तो ये वो ब्याज है जो ऑफर करता है सेंट्रल बैंक सभी बैंकों को उनके डिपॉजिट पे, उनके सरप्लस। जब बैंकों के पास पैसा बच जाता है तो वो सेंट्रल बैंक के पास जमा कर देते हैं और सेंट्रल बैंक उनको ब्याज देता है, उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। जिस समय देश के अंदर इन्फ्लेशन हो, बहुत ज़्यादा डिमांड हो, तो उस समय जरूरत है कि जो ये रिवर्स रेपो रेट है उसे बढ़ा दिया जाता है। उसे बढ़ाते ही सभी बैंक क्या करते हैं कि ज़्यादातर डिपॉजिट सेंट्रल बैंक के पास कर देते हैं, क्योंकि सेंट्रल बैंक उनको उनके डिपॉजिट पर बहुत अच्छा ब्याज दे रहा है, जिससे कॉमर्शियल बैंकों के पास पब्लिक को उधार देने के लिए पैसा कम हो जाता है। उनकी जो लैंडिंग कैपेसिटी है, उधार देने की कैपेसिटी कम हो जाती है
और इकोनॉमी में मनी का सप्लाई कंट्रोल हो जाता है। उसी प्रकार से हम बात करेंगे डिफ्लेशन की सिचुएशन में। डिफ्लेशन की सिचुएशन में डिमांड बहुत कम होती है, तो जरूरत है मनी की सप्लाई को बढ़ाने की। ऐसे में सेंट्रल बैंक रिवर्स रेपो रेट कम कर देता है, और जब बैंकों को उनके डिपॉजिट पे कम ब्याज मिलता है तो वो सेंट्रल बैंक के पास ज़्यादा डिपॉजिट नहीं करते, जिससे उनके पास उनकी लैंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है और इकोनॉमी में मार्केट में मनी का सप्लाई बढ़ जाता है। फिर डिफ्लेशन की सिचुएशन में जो रिवर्स रेपो रेट है उसे कम कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि तो बैंक जो है अपना सरप्लस अपने पास ही ज़्यादा रखें। फिर बात करेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशन। बच्चों पहले हमें पता होना चाहिए ओपन मार्केट ऑपरेशन होता क्या है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज परचेस और सेल करता है गवर्नमेंट के बिहाफ में देश के अंदर। अब कब आरबीआई सिक्योरिटी सेल करेगा और कब आरबीआई सिक्योरिटी परचेस करेगा वो डिपेंड करता है सिचुएशन, इकोनॉमी में सिचुएशन कैसी। अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन के समय आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी सेल करता है, तो सभी लोग परचेस करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट जो है उस पर इंटरेस्ट भी देता है भाई। तो सभी लोग जब गवर्नमेंट की सिक्योरिटी से परचेस कर रहे हैं और आरबीआई सेल कर रहा है, तो मनी जो है लोगों से सेंट्रल बैंक की तरफ आ जाती है। और लोगों का मनी कहाँ है, बैंकों में। लोग जब सेंट्रल बैंक से सिक्योरिटी परचेस करेंगे तो वो कैश पेमेंट नहीं करेंगे, तो उनके अकाउंटों से पैसा निकल के आरबीआई के पास आ जाएगा और कॉमर्शियल बैंकों की जो डिपॉजिट है वो कम हो जाएंगे और उनकी लैंडिंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर देश के अंदर डिफ्लेशन है तो उस समय जरूरत है कि मनी की सप्लाई बढ़ाओ, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, जो सिक्योरिटी उसने बेची थी अब उन्हें खरीद लेगा, लोगों का पैसा लौटा देगा, तो मनी सेंट्रल बैंक से लोगों की तरफ जाएगी और उनके अकाउंटों में पैसा आ जाएगा, जिससे कॉमर्शियल बैंकों की लैंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी और देश के अंदर जो मनी का सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाएगा। बच्चों बात करेंगे लीगल रिजर्व रेशियो। ये वो मिनिमम पार्ट है जो सभी बैंकों को रिजर्व रखना पड़ता है और दो फॉर्म में रखना पड़ता है, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो की बात करेंगे तो टोटल डिपॉजिट का वह पार्ट जो सभी बैंकों को मिनिमम कंपल्सरी आरबीआई के पास रखना पड़ता है। जिस समय देश के अंदर इन्फ्लेशन चल रहा हो उस समय, तो एक बार स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो भी समझ लेते हैं। टोटल डिपॉजिट का वह पार्ट जो सभी बैंकों को अपने पास कंपलसरी रखना पड़ता है, जिसे वो लोन नहीं दे सकते लिक्विड फॉर्म में, उसे कहते हैं एसएलआर। अब इन्फ्लेशन के समय सीआरआर और एसएलआर दोनों बढ़ा दिए जाते हैं, जिससे कॉमर्शियल बैंकों के पास जो पैसा है उधार देने के लिए वो कम हो जाता है और उनका उधार देने का कैपेसिटी कम हो जाता है, जिससे मनी की सप्लाई कम हो जाती है। और अगर डिफ्लेशन है तो डिफ्लेशन के समय सेंट्रल बैंक सीआरआर एसएलआर को कम कर देता है। अब सभी बैंकों को रिजर्व कम रखना है, तो इससे क्या होगा, लोन देने के लिए उनके पास पैसा ज्यादा हो जाएगा, लैंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, जिससे मनी का सप्लाई भी बढ़ेगा। उसके बाद हम बात करेंगे क्वालिटेटिव और सिलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे मार्जिन रिक्वायरमेंट। बच्चों जब भी हम बैंक से उधार लेते हैं तो हमें बैंक में सिक्योरिटी जमा करनी होती है, तो वो सिक्योरिटी का अमाउंट और जो लोन का अमाउंट है उनके बीच के गैप को हम कहते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। आपने 1 लाख रुपए का सिक्योरिटी जमा किया बैंक में गोल्ड, आपको लोन मिला 80,000, तो ये 20,000 का जो गैप है उसे कहेंगे मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो ये डिफरेंस होता है बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन और मार्केट वैल्यू, जो सिक्योरिटी आप जमा कर रहे हो उसकी मार्केट वैल्यू। यदि मार्जिन सेंट्रल बैंक के द्वारा जो मार्जिन है वो सारा डिसाइड किया जाता है आरबीआई के द्वारा कितना मार्जिन रहेगा। जब देश में इन्फ्लेशन होता है तो उस समय ये मार्जिन बढ़ा दिया जाता है, ज्यादा सिक्योरिटी रखवाओगे लोन कम मिलेगा, जिससे लोन की डिमांड कम हो जाती है और मनी की सप्लाई कम हो जाती है। उसी प्रकार से डिफ्लेशन के सिचुएशन में मार्जिन जो है रिक्वायरमेंट जो मार्जिन है वो कम कर दिया जाता है। 1 लाख का लोन, 1 लाख की सिक्योरिटी जमा कराओ और 90,000 का लोन ले जाओ, 10% का मार्जिन रखा जा रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो है बैंकों से उधार लेंगे और मनी का सप्लाई बढ़ेगा। बच्चों कभी कभी
सेंट्रल बैंक सभी बैंकों के खिलाफ डायरेक्ट एक्शन भी ले सकता है। तो जो भी इंस्ट्रक्शन सेंट्रल बैंक ने दे रखी है, अगर बैंक उसको फॉलो नहीं करते तो उनके खिलाफ एक्शन लेके भी मनी को कंट्रोल किया जाता है। मॉरल सिचुएशंस, इसमें आरबीआई सभी बैंकों को समझाता है कि आप ज्यादा लोन क्रिएट मत कीजिए, ज्यादा लोन मत दीजिए, उससे मनी का सप्लाई बढ़ रहा है, महंगाई हो रही है, ऐसे समझा कर उनको जो है बताकर एडवाइस देकर सेंट्रल बैंक क्रेडिट पे कंट्रोल करता है। तो बच्चों, हमने इस वीडियो में बैंकिंग के बारे में पढ़ा, इससे पहले हमने मनी की सप्लाई पढ़ा, दोनों की वेटेज 6 मार्क्स है। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।